एक समय था जब गांव में प्राथमिक सुविधाओं का अभाव था, साथ ही सरकारी या किसी दस्तावेजी काम के लिए हर दिन बार बार सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था। लेकिन अब समय में काफी परिवर्तन आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य का राजकोट जिला पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सुशासन पहुंचाने में सफल हो रहा है। पक्की सड़कें, स्मार्ट स्कूल, घर घर पानी, बिजली, स्वच्छता और डिजिटल सेवाओं से अब गांव भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे और गांव आत्मनिर्भर बने, इस तरह ग्रामीण गुजरात को विकसित किया जा रहा है। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, ई श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, केटल शेड, पीएम किसान सहाय की तरह कई योजनाओं का लाभ लेने और कोई भी सरकारी फॉर्म भरने के लिए तालुका पंचायत या जिला पंचायत जाने की आवश्यकता अब नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली धन राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो रहा है और इसी राशि के मार्फत ई ग्राम सेंटर भी अद्यतन बन रहे हैं। इस योजना के तहत राजकोट जिला पंचायत ने 593 ग्राम पंचायत में ई ग्राम सेंटर्स को अद्यतन किए हैं और इन सेंटर्स के मार्फत राज्य सरकार की 260 से ज्यादा सेवाएं डिजिटल माध्यम से गांव स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए ग्रामीण लोगों का ब्लॉक और जिला स्तर पर इन सुविधाओं के लिए आना कम हो गया है और गांव सुशासन के नए स्तंभों के रूप में उभर रहे हैं। गांव के लोगों को अपने घर द्वार पर ही सब सुविधाएं मिलने पर राजकोट जिले का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के आभारी हैं। पहलाना समय में एवं थत के घना बदा धक्का मणसों ने तालुका पंचायत जिला पंचायत खावा पड़ता था, तो तेनी बदले हवे ई स्मार्ट सेंटर आया है गामडाओं में ग्राम पंचायत में, तो घना काम सरल थी गया है। जे धक्का धक्की था जिला पंचायत तालुका पंचायत એ સામાન્ય માણસોના ઘણા બધા ધક્કા બચી ગયા છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ખર્ચ બચ્યો છે અને સરળતાથી માણસોના કામ થવા માંડ્યા છે, એટલે આમ કહીને તો ઘર બેઠા કામ થાય છે એવું પણ આપણે કહી શકાય। અમારા ગામમાં સ્માર્ટ ઈ ગ્રામ કેન્દ્ર આવેલું છે, અહીંયા હું ખેડૂત છું, અહીંયા પહેલાં અમારે 7-12-8 અનાજ દાખલા કઢાવવા હોય તો તાલુકા સેન્ટરે જવું પડતું, પણ હવે ઓનલાઈન અહીંયા જ મારું કામ બધું થઈ જાય છે, જેથી કરીને અમારે સમય અને ધક્કો બંને બચે છે, જેથી મારું કામ સરળતાથી થાય છે।